हेलो दोस्तों, आज मैं रथ यात्रा स्पेशल जलेबी बनाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर और क्रंची ये जलेबियाँ बनी हैं। तो आइए आज इसे बनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, राधा किचन में आप सबका स्वागत है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पतीले में मैंने 3 कप मैदा ले लिया है और उसी कप से 1.5 कप दही और 1.5 कप पानी, जिसको मैंने छाँच बना लिया है, और उसी छाँच से मैं इस मैदे को घोलूँगी। अब इसे 5-7 मिनट तक अच्छे से मिलाना है। एक ही डायरेक्शन में मिलाते रहिए ताकि एक भी लम्स इसमें ना रहे और अच्छे से ये मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा बन गया है ये पेस्ट। बैटर जो है कुछ इसी तरह से होना चाहिए। अब मैं इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिला रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह मिलाना है। देखिए सोडा पड़ते ही इस मैदे का, देख लीजिए किस तरह छोटे छोटे बबल्स बनने लगे हैं। और बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। उसी छाँच में ये पूरा घुल के तैयार हो जाएगा। जलेबी का जो है ना, मेजरमेंट सही होना चाहिए, वरना जलेबी नहीं बनेगी, ना ही पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा से। अब मैं इसमें 3 से 4 चम्मच तेल को मैंने गरम कर लिया है, रिफाइंड ऑयल, और उसे मैं मिला रही हूँ। इससे जो है ना दोस्तों, जलेबियाँ जो है वो क्रंची बनती है। अच्छी तरह इन सबको मिलाना है। देखिए कितना अच्छा ये मिल गया है। अब मैं इसे अलग अलग 3 बोल में मैं निकालूँगी, क्योंकि मैं 3 कलर का जो बना रही हूँ इसीलिए। अब दोस्तों 15 मिनट के लिए इन बैटर को मुझे रेस्ट में देना है, तब तक मैं चाशनी इधर बना लेती हूँ। तो दोस्तों, मैंने पतीले में 3 कप चीनी डाला है और 1 कप पानी। इसका भी मेजरमेंट सही होना चाहिए, 1 कप मैदे में 1 कप चीनी। तो मैंने 3 कप जो मैदा लिया था, तो मैंने 3 कप चीनी लिया है। इलायची 3-4 इलायची को तोड़ के मैंने उसमें डाल दिया है फ्लेवर के लिए। ये जो है तुरंत बन के तैयार हो जाएगी, ज़्यादा चिपचिपा नहीं चाहिए। इसलिए इसे तार बनने के पहले तक का होना चाहिए। तो ये चाशनी बन के देखिए तैयार हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं बैटर में कलर ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने ग्रीन को दे दिया है, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद पिंक। अब मैं इसे मिला रही हूँ अच्छे से। अब इन तीनों बैटरों को मैं अच्छे से मिला लूँगी एक एक करके। देखिए इसका कलर कितना अच्छा निखर के आया है। आप चाहे तो कलर को चाशनी में भी डाल सकते हैं, इससे भी आपकी जो जलेबी है वो कलरफुल बनेगी। पर मेरा तो 3 कलर का बनेगा, तो इसीलिए मैंने 3 जगह पतीले में मुझे चाशनी रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने एक ही जगह रखी है और बैटर में मैंने कलर डाल दिया है। अब जो है बैटर को मैं एक दूध का प्लास्टिक, जो हम सभी के घरों में पाए जाते हैं, उसे मैंने काट के धो लिया है। उसके बाद उसे अच्छी तरह सुखा लिया है और उसके बाद मैं उसमें बैटर डाल रही हूँ और एक रबर बैंड की सहायता से इसके मुंह को मैं लॉक कर रही हूँ अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों, ये बंद हो गई है। इसी तरह मैं दूसरे पैकेट में डाल रही हूँ। देखिए ये तीनों दूध के पैकेट में मैंने डाल दिया है। अब मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल जो है दोस्तों, ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो आपकी जलेबी इधर उधर भागेगी। अब मैं इन पैकेट को छोटा सा कट लगा रही हूँ और इस तरह हल्के हाथों से दबा के आप जलेबी के आकार में उसको शेप दीजिए। तो देखिए ये इसको मैं पलट रही हूँ और इसका आँच जो है मीडियम रखिएगा, नहीं तो ये जल्दी ही क्रंची हो जाएगी, तो अंदर से पकेगी नहीं। देखिए ये मीडियम आंच पे कितना अच्छा ये पक गया है। आपको इसे 1-1.5 मिनट तक पकाना है।
तो देखिए ये पक चुकी है और मैं इसे निकाल रही हूँ। छन्नी की मदद से अब मैं इसे चाशनी में डाल रही हूँ। चाशनी में डाल के तुरंत मिला के उसे निकाल लेना है, हाँ, जिससे वो करंची रहे। और मैं इसे एक जालीदार बर्तन पे निकालूंगी जो इस तरह रस है वो नीचे निकल जाए, नहीं तो नीचे से चिपचिपी हो जाएगी जलेबी। तो देखिए बन गई हमारी जलेबी। अब मैं दूसरे कलर की जलेबी डाल रही हूँ, देखिए एक ही डायरेक्शन में। देखिए ये मेरी ग्रीन वाली जलेबी है। इसे मैं पलट रही हूँ, ज़्यादा देर नहीं पकाना है इसे, नहीं तो इसका कलर मर जाएगा। अब ये पक चुकी है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ उसी तरह से जैसे मैंने पहले निकाला है। निकाल के मैं चाशनी में इसे ऐड करूँगी और चाशनी में देख के तुरंत निकाल लेना है और वही जालीदार बर्तन पे मुझे रख देना है ताकि एक्स्ट्रा रस जो है वो निकल जाए। पिंक वाली भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ एक ही। तो देखिए बन गई है ये तीनों तरह की जलेबियाँ। आप सभी को रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों जाने से पहले आज का कोट ऑफ द डे सुन के जाइएगा। धैर्य कड़वा होता है पर उसका फल मीठा होता है। अगर आप वीडियो को इतनी देर तक देख लिया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं और एक वीडियो में।